गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है राम नवमी और आज वही प्रसाद वगैरह बनता है, पूजा होती है और जो अखंड दिया वगैरह जलाते हैं उनके घर में तो आज सुबह सुबह बहुत काम होता है। मैं कन्या वगैरह घर पे बुला के वैसा तो नहीं करती हूँ, जो भी प्रसाद है या जो कुछ है वो सब मैं मंदिर में जाकर दे आती हूँ। जी यार, हूँ आप। तुम कुर्ता पहनोगे या फिर टी शर्ट वगैरह पहनोगे? आज न स्कूल एंड ऑफिस दोनों की छुट्टी है तो सुबह सुबह इतना हबड़ दबड़ नहीं है, नहीं तो हर बार ना थोड़ा सा हड़बड़ी सा हो जाता है। तो सिद्धार्थ अभी नहाने जा रहा है, मैंने फटाफट जो भी मेरा काम था सफाई का वो सारा कर लिया और मैंने कविता को भी जल्दी बुला लिया था। आज सुबह ही सुबह आ गई थी 7:30 के आसपास ही, तो उसने झाड़ू पोछा और सारा काम जो भी था क्लीनिंग का सब कुछ हो चुका है। अभी ये सारा करने के बाद ही मैंने नहा लिया। सबसे पहले हवन पूजन करूँगी और उसके बाद मैं प्रसाद बनाना स्टार्ट करूँगी और फिर प्रसाद में बाद में भगवान को अर्पण कर देती हूँ। अभी मैं मिश्री या कोई फ्रूट वगैरह है वो भगवान को चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर जब सारा प्रसाद बना के और फिर पूजा करो ना तो उतना ठीक सा नहीं लगता है, काफ़ी टाइम नहाए धोए हुए भी निकल जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जो हवन पूजन है सब वो कर लेती हूँ, फिर प्रसाद बनाती हूँ और प्रसाद बनाने के बाद वो सबसे पहले मैं प्रसाद लाके भगवान को अर्पण करती हूँ और फिर उसको बांटना, बच्चों को देना या खुद खाना वो सब करते हैं। तो थोड़े बहुत फूल हम सुबह ही लेके आए थे, नीचे गए थे वॉक पे, तो सीधा वॉक करने के बाद हम निकल गए थे वहीं पे, वहाँ से फूल और जो आम पत्र होता है वो सब लेकर आए। तो थोड़ा मंदिर भी मैं सजाऊंगी, थोड़ा गेट पे भी आम के पत्ते वगैरह लगा के स्वास्तिक बना के वो सब भी करूंगी। तो बस वही थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पे सब तैयारी कर रही हूँ हवन वगैरह की। और लास्ट व्लॉग जो आपने देखा होगा उसमें लास्ट व्लॉग में मैंने साड़ी निकाली थी बेड से, कॉटन की साड़ी थी वो, मैंने पहले कभी नहीं पहनी थी, एकदम न्यू थी। उसका ब्लाउज़ भी मैंने लास्ट ईयर प्रिपेयर करवाया था, पूरा प्लान था वही पहनूंगी और वही पहनी भी मैंने। नहा धो के जब उसको पहन के खड़ी हुई ना तो जो एक फेस्टिवल वाली वाइब है ना मेरे को बिल्कुल नहीं आई उस साड़ी से। ऐसा लग रहा था मतलब जैसे कि आप कहीं या तो स्कूल में जा रहे हो या कहीं ऑफिस जा रहे हो, क्योंकि कॉटन की वो साड़ी थी तो वैसा बिल्कुल फेस्टिव वाला मज़ा सा नहीं आया, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। 10-15 मिनट मैं उसको पहन के खड़ी रही और सोचती रही अब चेंज करूँ या ना करूँ, चीज़ें लेट हो रही हैं। फिर मैंने कहा नहीं, अब साड़ी पहन रहे हैं इतने दिन बाद, कभी कभी पहनते हैं तो अच्छे से पहनो जो शरीर पे जचे और कम से कम खुद को तो अच्छी लगे। फिर मैंने वो साड़ी उतारी और ये वाली साड़ी बेड से फिर से निकाली और फिर इसको पहनी। जब इसको पहन के मैं खड़ी हुई ना तो मुझे डिफरेंस पता लगा कि कितना डिफरेंस था। मैंने ना ये सोच के निकाला था कि वो हल्की रहेगी, कुछ घंटों तक मैं इसको कैरी कर पाऊँगी। वैसे ये वाली साड़ी भी उतनी भारी नहीं है, देखने में अच्छी लगती है और मतलब हैवी लुक देती है लेकिन बहुत लाइट वेट है। मैं पूरा दिन इसको पहन के रखा मैंने आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। तो ऐसा होता है ना कई बार कि आप जो भी प्लान बनाओ ना पहनने का, कपड़े से रिलेटेड तो मेरे साथ ये बहुत बार होता है कि कुछ प्लान बनाती हूँ और फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता और इमीडिएट बेसिस पे फिर उसको चेंज करना पड़ता है।
और लास्ट ईयर आप लोगों को याद होगा गृह प्रवेश तो हमारा मार्च के मिडल में हो गया था, लेकिन मार्च के लास्ट में हमने शिफ्टिंग किया था नवरात्रों में। अष्टमी का मैंने जिस दिन फास्ट किया था उस दिन मैं मंदिर लेके इस घर में आई थी, और उसी दिन हमारी शिफ्टिंग हो गई थी, और अगले दिन फिर प्रसाद वगैरह बना था। तो वही सब मेरे को आज याद आ रहा था। उस टाइम माँ पापा थे यहाँ पे। इस बार तो काफ़ी लेट हो गया नवरात्रे, अदरवाइज़ उस समय तो हल्की हल्की ठंडक सी होती है मार्च में। तो वही मैं सुबह आज हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि 1 साल पूरा हो भी गया, पता ही नहीं लगता है कोई चीज़, समय इतनी जल्दी बीतता है ना कि कुछ समझ ही नहीं आता है। मतलब बच्चों के मामले में भी अगर आप देखें ना, तो ऐसा लगता है कि बस चुटकी बजाई और हम यहाँ तक पहुँच गए। अभी तो छोटे छोटे बच्चे थे बिल्कुल, अभी न्यू बॉर्न बेबीज़ थे, और अभी मतलब 10 साल 12 साल कैसे निकल जाते हैं, एकदम ऐसा लगता है झटके में बस निकल जाते हैं। जब आप आज खड़े होके आगे के बारे में सोचो तो लगता है कितने साल हैं अभी अभी, मतलब शादी ब्याह बच्चों के होने, और कितना लगता है ना, बहुत डिफरेंस। अभी तो 10 12 साल 15 साल बाद होना है, और जब पीछे की चीज़ों को देखो तो लगता है कि 10 15 साल 12 साल कैसे निकल गए, वो समझ ही नहीं आया। मतलब एक पलक झपकी और यहाँ तक हम पहुँच गए। तो आगे आने वाला टाइम जब हम 10 15 साल आगे पहुँच जाएंगे आज से, तब भी कुछ ऐसा ही लगेगा हमें कि बस एक पलक झपकी और पूरा जीवन किस तरीके से निकल गया, और लाइफ के किस पड़ाव पे हम लोग आ गए। तो ऐसे कहने को तो कितने साल लगते हैं सोचने में, लेकिन लाइफ सच में बहुत छोटी सी होती है। जब हम उसको पूरा जी लेते हैं ना, तब हम पीछे का सोचते रह जाते हैं कि अरे ये भी कर लेते वो भी कर लेते, कुछ करते ना करते थोड़ा खुश ही रह लेते। क्योंकि आजकल की लाइफ इतना टेंशन स्ट्रेस वाली है ना, कि हम लोग उसी में उलझे रहते हैं। और एट प्रेजेंट एट मोमेंट जो हमें खुशी गेन करनी चाहिए अपनी सराउंडिंग से, वो करना ही भूल जाते हैं। तो कई बार ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। चलिए ये सब छोड़िए। और अभी सिद्धार्थ पूरी हेल्प कर रहा है किचन में। उसने बोला कि मम्मा मैं पूरी हेल्प करूँगा प्रसाद बनाने में, क्योंकि भाई ये जो प्रसाद होता है ना, ये इसका बहुत फेवरेट है, हलवा पूरी और चने बहुत बहुत उसको अच्छा लगता है। बन जाए अगर घर में ना, तो फिर वो दोनों तीनों टाइम वही खाना चाहता है। तो थोड़ी बहुत उसने मेरी हेल्प की जितनी वो कर सकता था। उसके बाद जब हवन का ये जो हवन कुंड है ना, थोड़ा सा ये ठंडा हुआ ना, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो फिर पूरे घर में एक बार घुमा देना चाहिए इसको। तो मैंने पूरे घर में इसको घुमा दिया। हलवा और चने बना लिए मैंने, पूरी भी मैंने सेक ली। सबसे पहले मंदिर में अपने घर के माता रानी को चढ़ाऊंगी, फिर हम नीचे जाएंगे मंदिर में, और वहाँ केले वगैरह मैं चढ़ाती हूँ, वो सब मैं चढ़ा करके आऊँगी, और फिर सबसे पहले हम सिद्धार्थ को देंगे कुछ खाने के लिए। हमने भी प्रसाद खाया, और जो प्रसाद जो बांटना था वो भी मैं बांट करके आ गई थी। और उसके बाद फिर हम सो गए, हम सबके सब सो गए। मतलब सिद्धार्थ नहीं सोया था, वो बैठ के होमवर्क कर रहा था, और मैं यहाँ सोफे पे लेटी ऐसे ही आराम करने के लिए थोड़ा, और हस्बैंड नीचे लेट गए और वो भी सो गए और मैं भी सो गई। सिद्धार्थ अकेले अपना होमवर्क उसने किया। होमवर्क करने के बाद फिर वो अपना आराम से बैठ के मोबाइल देख रहा था। तो तकरीबन 1 घंटा हम लोग सोए रहे, उसके बाद उठे। तो उठने के बाद मुझे याद है मुझे वीडियो पोस्ट करनी है आज, क्योंकि हर अल्टरनेट डे मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, और इस दिन मेरी वीडियो का पोस्ट करने का दिन था। तो फिर मैं उसके काम में लग गई, और फिर इसके बाद हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए। और अब हम पहुँच गए हैं नेक्स्ट डे पे। मैं तैयारी कर रही हूँ सिद्धार्थ के टिफ़िन की। आज से प्याज वगैरह तो शुरू हो जाता है हमारे यहाँ, प्याज लहसुन आज से खा सकते हैं। तो मतलब ये नेक्स्ट डे है, नवमी से अगला दिन है। तो मैं सिद्धार्थ का जो फेवरेट उसका कॉम्बो है वो बनाने जा रही हूँ टिफ़िन के लिए। तो उसको भिंडी काफ़ी पसंद आती है, साथ में पराठे, और ये इसके पापा का भी बहुत फेवरेट है। मतलब भिंडी की भुजिया बनी तो उसके साथ में पराठे तो चाहिए ही चाहिए। और अगर चाय मिल जाए, पहले तो हम लोग चाय पिया करते थे, लेकिन अब उतना ज़्यादा चाय हम लोग खाने के साथ अवॉइड करते हैं। पहले तो मतलब सालों साल हमने चाय और पराठे
पराठे साथ में खाएं, बट अब काफ़ी महीनों से ना ये हम अवॉइड करते हैं कि चाय के साथ कुछ ना ही खाएं। चाय अगर पीनी हुई है तो अलग से पिए और खाने के साथ उसको इंक्लूड ना करें। ये वाली जो मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, ये प्याज वाली, वैसे तो कई तरीके की बनाती हूँ बट ये खूब सारे प्याज वाली जो भिंडी की सब्ज़ी है ये बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही यम लगती है। तो ज़्यादातर अब यही बनने लगी है। पहले मैं प्याज भी नहीं डालती थी बट ये सिद्धार्थ को भी पसंद आती है और अब मुझे भी ये बहुत अच्छी लगने लगी है। तो हो सके तो जितना भिंडी है उतना प्याज लो, नहीं तो ज़्यादा सा प्याज तो लो ही, एटलीस्ट 2-3 बड़े प्याज तो आपको लगेंगे ही। इसको आप ऐसे रफली चॉप कर लो। तड़के में मैंने डाला था जीरा और मेथी। भिंडी में ना मेथी का तड़का बहुत अच्छा लगता है, तो जीरा और मेथी का तड़का दे दीजिए। हरी मिर्च भी मैंने देखी एकदम महीन करके डाली है और साथ में प्याज ऐड कर दिए। प्याज को ना इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा वो ट्रांसलूसेंट हो जाए, जो कि विद इन 30-40 सेकेंड या ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा क्वान्टिटी है तो 1 मिनट में हो जाते हैं। फिर आप भिंडी ऐड कर दो। भिंडी को हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे, खुला ही भूनना है, और उसके बाद आप इसमें मसाले ऐड कर दो, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। अभी नमक इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो ये लिसलिसी हो जाएगी और फिर भुनेगी नहीं अच्छे से, भुन के नहीं पकेगी। तो अभी हम इसको ऐसे ही पकाने वाले हैं। जब ये 70-80% आपको लगे कि भिंडी हो चुकी है, बीच बीच में चलाते रहना है, 70-80% हो जाने के बाद फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा ढक के हम इसको पका लेंगे, जो भी कसर है वो हो जाएगी। फिर हम ढक्कन हटाएंगे और इसको 1-2 मिनट खुला ही भून लेंगे और बस ये हमारी भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। इसको आप इंजॉय करना पराठे के साथ में, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो बढ़िया कुरकुरे कुरकुरे जो पराठे बनते हैं ना गरम गरम, उनके साथ तो एकदम A1 लगता है। और चाय मिल जाए तो सोने पे सुहागा, बट उतना हेल्दी नहीं होता है खाने के साथ चाय, अवॉइड करें तो अच्छा है। बाकी ट्राई करने वाली बात है तो एक बार ट्राई करके देखना, सच में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अदरक वाली चाय, पराठे और भिंडी की भुजिया। और सर्दियों में ना भिंडी की भुजिया रिप्लेस हो जाती है गोभी की भुजिया से। तो ये मैंने सिद्धार्थ का टिफ़िन पैक कर दिया है, फ्रूट्स में उसको वाटरमेलन दिया है मैंने, भिंडी की भुजिया, पराठे। और ये कटहल हम लोग सब्ज़ी लाने गए थे ना, तो मैं ले आई थी लेकिन मैं बिल्कुल भूल ही गई थी उस टाइम कि लहसुन प्याज अभी नहीं बनेगा 2-3 दिन तक। तो ये फ्रिज में रखा हुआ था, इसको मैंने निकाला। थैंकफुली ये ख़राब नहीं हुआ था कटहल, क्योंकि बिना प्याज लहसुन के ना कटहल में तो मज़ा नहीं आता। तो थैंकफुली ये ख़राब नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज सबसे पहले इसको बना के ख़त्म करते हैं। तो यही मैंने निकाला है। मैं ना छोटे छोटे पीसेस कटहल के कटवाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं इस टाइप की सब्ज़ी अगर बनानी हो तो। और अगर जब पकौड़े बनाने होते ना तो थोड़े बड़े पीसेस भी चलते हैं, अच्छे लगते हैं वो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, पूरे दिन के लिए मखाने फ्राई करके रख दिए हैं। हस्बैंड ऑफिस ले जाते हैं, सिद्धार्थ स्कूल लेकर जाता है लेकिन अभी तो वो चला गया है, उसको मैंने आज वाटरमेलन दे दिया है। तो इवनिंग में थोड़ा सा मंचिंग स्नैकिंग के लिए ना, अगर भुने हुए रहते हैं ना तो आलस नहीं आता है, नहीं तो कुछ भी नमकीन वमकीन निकाल के खा लेता है। तो इसीलिए मैं ये भून करके रख रही हूँ। सेम कढ़ाई के अंदर मैंने सरसों का तेल लिया है, और कटहल है तो थोड़ा तेल ज़्यादा जाएगा ही। और आज मैं पूरे मन से कटहल बनाने वाली हूँ, एकदम बढ़िया एक नंबर वाला जो कटहल बनता है ना, वैसा बनाने का मन था। तो इसीलिए थोड़ा सा तेल आज की रेसिपी में ज़्यादा रहेगा, आप चाहो तो कम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने गरम गरम कढ़ाई में सरसों का तेल ऐड किया, और थोड़ा सा गरम हो जाए तेल, उसके बाद मैं इसके अंदर कटहल ऐड कर दूँगी। हम अच्छे से इनको फ्राई करने वाले हैं गुलाबी करके। तीन चार मिनट का टाइम लग गया है कटहल फ्राई होने में। दूसरी तरफ हम एक पेस्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जिंजर गार्लिक ले लिया है, साथ ही धनिया के थोड़े से पत्ते या फिर धनिया के स्टेम ले लीजिए आप, थोड़ा बहुत धनिया ज़रूर डालना इसमें। साथ ही 2 टेबलस्पून के करीब मैंने चॉप्ड ऑनियन लिए हैं, तो लगभग आधा मीडियम साइज़ का प्याज आपको लगेगा, प्याज ज़रूर डालना है इसके अंदर। साथ ही एक छोटा चम्मच या
आधा बड़ा चम्मच आप धनिया के बीज ले लेना थोड़े से, ये ज़रूर डालना। धनिया पाउडर तो हम यूज़ करेंगे ही, लेकिन ये इस टाइप से पिसा हुआ जो धनिया है ना, एक बहुत अच्छा फ्लेवर आपकी सब्ज़ी के अंदर लेकर आता है। चाहो तो थोड़ा ज़ीरा भी आप डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं खड़े मसाले सारे, जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, लाल सूखी मिर्च है, जीरा है, और साथ ही ये मैंने लास्ट में भी हींग डाला था। तो थोड़ा अच्छा क्वांटिटी में हींग आप इस्तेमाल करें। फिर मैंने प्याज डाल दिए। प्याज आपको काफ़ी सारे चाहिए, तो तीन बड़े साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा ये गुलाबी हो गए हैं, ब्राउन होने की कगार पे थे, तब मैंने इसके अंदर ये पेस्ट ऐड कर दिया है, जिसमें जिंजर, गार्लिक, सूखा धनिया, हरा धनिया और प्याज है। ये इतनी अच्छी खुशबू लेकर आता है ना, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है सब्ज़ी में। जैसे ही आप तेल के अंदर ये पेस्ट ऐड करोगे ना, एकदम लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा सा कुक हो रहा है किचन के अंदर। खूब अच्छी तरीके से ना ये मसाला आपको भून लेना है, और जब ये अच्छी तरीके से भुन जाए तब हम एक दूसरा पेस्ट इसमें मिलाएंगे जो हम बना रहे हैं दही से। यहाँ पे मैंने आधा बड़ा कटोरी दही लिया है, और इसके अंदर ही हम सारे सूखे मसाले मिला देंगे। हमने धनिया लिया है थोड़ा सा, धनिया का पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी हम धनिया यूज़ कर चुके हैं, तो थोड़ी सी धनिया ले लीजिए आप। लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, हल्दी का पाउडर लेंगे, फिर हम इसके अंदर डालेंगे चिकन या फिर मीट मसाला, तो दोनों में से जो भी अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर लो, ये ज़रूर डालना आप। और इसमें पाउडर के अंदर कोई नॉनवेज नहीं होता है, ये बस पाउडर अलग अलग मसालों का, खड़े मसालों का ब्लेंड होता है। तो चिकन या फिर मीट मसाला कुछ भी ले लीजिए आप, और वो ऐड कर लीजिए 2 छोटा चम्मच। और साथ में मैंने गरम मसाला भी इसमें ऐड किया, तो ये काफ़ी मसालेदार, स्पाइसी, तीखा, चटपटा, यमी यमी सा बनने वाला है। तो ये सारा दही में मैंने डाल दिया है। इस रेसिपी में ना टमाटर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो थोड़ी खटास और ग्रेवी का जो बेस है वो हमें दही और ये प्याज से मिलेगा। अब इसको ऐड कर दिया है, अब इसको खूब भूनिए, थोड़ा सा ढक भी दीजिए बीच में, और जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता ना दही के अंदर से, तब तक हमें इसे इस तरीके से फ्राई करते रहना है। और थोड़ा सा मैंने इसमें आधा कप के करीब पानी भी ऐड किया था उस बर्तन को रिंस करके। तो देखिए कितना अच्छा कोरमा रिलीज़ हो गया है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो अभी हम इसके अंदर कटहल जो हमने ऑलरेडी फ्राई करके रखे हैं वो ऐड कर देंगे। कटहल डालने के बाद आधा ग्लास पानी, नमक आप इसमें डाल दीजिए। ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनेगा, चाहो तो आप कैसा भी बना सकते हो, डिपेंड करता है कैसा आपको पसंद है, कैसा खाना है। बट ये जैसे जो मेरा वर्जन है, ये थोड़ा सा लटपटा सा ग्रेवी बनता है इसका, तो उसी हिसाब से हम इसको बनाने वाले हैं। और ये रोटी के साथ तो बहुत ही यम लगता है, बाकी आप चावल के साथ भी उसको उतना ही इन्जॉय करोगे, बट पर्सनली मुझे कटहल ना थोड़ा रोटी के साथ खाना ज़्यादा पसंद है। और देखिए 2 सीटी मैंने लगाई थी, 2 सीटी लगाने के बाद इसको आधा मिनट के करीब और मैंने धीमी आंच पे छोड़ दिया था, और उसके बाद ये कितना अच्छा दिख रहा है। ये रेसिपी बना लो ना तो चिकन मटन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतना ये टेस्टी एंड यमी बनता है। हाँ, जैसे मैंने बताया तेल थोड़ा ज़्यादा है, मैं पहले ही इस चीज़ को बता रही हूँ। तो बस यही था आज का व्लॉग, होपफुली आपने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, रेसिपीज ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।